गुड आफ्टरनून क्लास 10। तो 10 क्लास बड़ा हम सेकंड चैप्टर पे बात कर रहे थे, सॉरी थर्ड चैप्टर पे बात कर रहे थे, और इस थर्ड चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट आई थिंक 3 पे डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें जरा, बड़ा अपना चला था, सॉरी 3.2 चला था बड़ा, और 3.2 में तीसरा क्वेश्चन तीसरे का एक पार्ट हो गया था और हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड पार्ट की बात करें। आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4, 6x³, 26x² 138x, और आपके पास में 2 0s है, 2 ± 1, 2 ± 2 ऑफ। ठीक है, समझना ये मतलब 2 0, यानी कि ये हमारे पास बहुपद है और इसके 2 मूल दे रखे हैं। तो कह रहा था कि अधिकतम घात कितनी है, 4, मूल भी कितने होंगे, 4। आपके पास में 2 मूल दे रखे हैं और बाकी के 2 मूल हमें क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जरा हम कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर बात करते हैं। सच दैट 2 मूल, पहला है एक्स प्लस रूट ऑफ 3, दूसरा क्या है, एक्स माइनस 2। देखो ये 2 मूल है तो बेटा 2 गुणनखंड हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक तो क्या होगा एक्स माइनस 2 प्लस रूट ऑफ, और दूसरा क्या होगा एक्स माइनस 2 माइनस 1। तो एक्स माइनस 2 ये जाएगा, ये 2 मूल, क्योंकि ये पहले धनात्मक धनात्मक मानेंगे, गुणनखंड और मूलों के चिन्ह में क्यों इसका अंतर होता है, अगर यहाँ पे धनात्मक है तो वहां ऋणात्मक होगा, वहां ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 गुणनखंडों का गुणनफल एक गुणनखंड होता है तो क्या हो जाएगा, आता है एक्स माइनस माइनस रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2 ऑफ 3 गुणनखंड होगा, दोनों का गुणा कर देगा क्या ए माइनस बी ए प्लस, क्या होगा वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इसमें भी देखो एक्स माइनस 2 इसमें एच माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4 एक्स स्क्वायर
प्लस 4 x लिखा है ना, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या हुआ, a गुणनखंड। अगर ये बेटा गुणनखंड है तो इस a गुणनखंड को हम किससे भाग देंगे, पूरे बहुपद से भाग। देखो क्या आ रहा है, x की घात 4 6x क्यों 26x² 138x - 1। भाग देंगे बेटा, भाग देना सभी को आ चुका है, सब कोई स्टूडेंट इसको भाग देना ना आता हो, सभी को भाग देना आता है। इसलिए x की घात कितनी है 4, x की घात 4 को x की घात 2 से भाग देंगे क्या जाएगा, x² गुणा कर दो x की घात 4 माइनस 4, फिर x² इनटू 1 करेंगे तो x² समान पदों के समान चिन्ह के भी दोनों क्या हो गए, माइनस 6x³ प्लस 4x³ कितना हो गया माइनस 2, माइनस 26 माइनस 1 कितना हो गया 27x² प्लस क्या आ गया 100, माइनस 2x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देंगे कितना बच गया 2x गुणा कर दो 2x माइनस 2x³ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8x² और इधर क्या आ गया माइनस 2x, प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस, ये दोनों कट गए, माइनस 27 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 36, दोनों का योग कर हो गया 146 माइनस 35x² को x² से भाग देंगे क्या आ गया माइनस माइनस 36x² गुणा करेंगे प्लस 146 माइनस प्लस माइनस सारे कट गए शेषफल क्या आ गया, सारे कट गए शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब तो कि आपने लिखा ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना तो कंपलसरी है। अब ना हमारे पास तो अब दो मूल की बात करें तो देखो ये क्या है द्विघाती समीकरण है, अब ये गुणनखंड कर दे तो गुणनखंड क्या होगा x स्क्वायर 35 तो गुणन बनाना चाहिए अंतर दो तो 7 × 35 735 और 7 और 5 का डिफरेंस 7 और 5 का अंतर कितना है 2, गुणनखंड करेंगे ये गुणनखंड आपने पढ़ा है नवी आठवीं क्लास में था तो इसको क्या लिखा प्लस 5x माइनस दो भागों में बांट दिया जिनका अंतर 2 गुणनखंड 35 है तो x कॉमन ले लिया x माइनस 7 5 कॉमन ले लिया x माइनस 7 तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 दूसरे में क्या आ गया प्लस 5। अब मान आ x माइनस 7 0 x का मान क्या हो गया फिर मान आ x प्लस 5 0 x का मान क्या हो गया समझ गए। तो बेटा इसी तरह जो तो तीसरा पार्ट है तो आपको करना है, तीसरे पार्ट में एक मूल है तो एक ही गुणनखंड होगा, मूल हमारे पास क्या है माइनस 2 तो गुणनखंड क्या हो गया x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 से इस बहुपद को भाग देंगे एक द्विघाती समीकरण आ जाएगा उसको उसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दो रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है तो तीसरा क्वेश्चन करना है, हम चौथे क्वेश्चन पे बात, ठीक है समझना चौथे क्वेश्चन पे क्या करना है देखो जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा ये, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है क्या यदि बहुपद
यदि दो पर px का मान दे दिया x की घात 3 3 x 0 प्लस x को इससे भाग दें dx, तो क्या है इसका भागफल? qx का मान आ रहा है x माइनस 2 और शेष पर कह रहा है माइनस 2x को, तो कह रहा है इस dx का मान बताइए, इस भाजक का मान बताइए क्या है। तो ना देखिए जरा, एक आप जानते हैं कि भाग की एडिशन आए, तो आपको हमने विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी अपन ने, उसके अनुसार हम क्या जानते हैं, अगर हमारा भाग की प्रोसेस सही है तो px का मान क्या होगा, gx इनटू qx प्लस क्या होगा हमारा ऑप्शन, इसमें मान रखिए और देखिए gx का मान क्या है, x की घात 3 माइनस 3x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा dx, और इसका क्या है वापस x माइनस 2 शेष पर आ गया माइनस 2x, तो इन सभी पदों को कहां ले गए, दाईं तरफ a आ जाएगा प्लस x, उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा cx और x, इसको हल करेंगे तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और x प्लस 2x कितना हो गया आपका माइनस 4 प्लस 2 कितना हो गया माइनस, ये हमारे पास है gx, तो gx का मान आ गया x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x x, ठीक है, ये है x माइनस 2 से भाग देंगे इसको हम, भाग देना ही हो गया, तो x की घात 3 3x स्क्वायर 3x का भाग दिया क्या आ गया x स्क्वायर, गुणा कर दें x स्क्वायर x क्यूब माइनस क्या हो गया घटाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे क्या आ गया माइनस x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस x स्क्वायर को x से भाग देंगे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये दोनों कट गए क्या आ गया x और कितना आएगा 1 x से भाग दिया तो इधर आ गया x माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो गया क्योंकि 0 आ गया, तो आपके पास में किसके बराबर चल रहा था gx के बराबर चल रहा था, तो gx का मान क्या हो गया x स्क्वायर माइनस प्लस कंप्लीट। थोड़ा इस तरह हमारी 3.2 एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट, 3.2 एक्सरसाइज किया बेटा कंप्लीट हमने, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी थी, ये थी बेटा अपनी 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज बेटा हमारी होगी ना, तो एक्चुअल में जब 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई तो 3.3 में जाने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखो बेटा, तो द्विघाती समीकरण पे हम बात करते हैं कि द्विघाती समीकरण क्या होगा उस पे हम चर्चा करते हैं। आप समझे, द्विघाती समीकरण पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द्विघाती समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप, ध्यान दें पहली चीज एक वर्ड आ रहा है समीकरण, आप जानते हैं क्या समीकरण क्या होता है, समीकरण का मतलब चरों और
संख्याओं का ऐसा संगठन जिसमें इक्वल का साइन हो, बराबर का चिन्ह हो, तो समीकरण होता है। बराबर का चिन्ह नहीं है वो फिर बहुपद बन जाएगा या फिर बीजी व्यंजक बन जाएगा, लेकिन जब तक बराबर का चिन्ह नहीं आएगा उसे समीकरण नहीं होगा। दूसरा वर्ड क्या यूज है बेटा? द्विघाती, मतलब ऐसा चरों का जो संगठन हो उसका अधिकतम भाग कितने हो बेटा? दो। तो इसका मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c, जहां a कभी जीरो नहीं होना चाहिए और a भी c क्या होनी चाहिए बेटा? वास्तविक संख्या। कभी कभी कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एबीसी परिमेय होगी या अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दोनों होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम टॉपिक तो कोई भी पढ़ते हैं ये पता नहीं, मतलब ही पता नहीं होता द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं हमें, ये पता नहीं द्विघाती समीकरण होता क्या। तो आपसे अगर पूछे द्विघाती समीकरण क्या है, इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान कभी 0 नहीं होगा और abc क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब परिमेय भी और अपरिमेय, ठीक है। तो ये द्विघाती समीकरण है और इसको कैसे हल करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज यहीं तक, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू।